हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो। गाइस, जैकपॉट लगा फिर से आज। जीरो टू हीरो ऑप्शन बहुत ही बढ़िया मौका मिला पुट ऑप्शंस में, और मार्केट गिरा, इस स्पीड से गिरा और यहाँ से गिरा पूरा। मैंने सभी लोगों को बोला था कि बेचना है, पुट ऑप्शंस खरीदने हैं, और एक बहुत ही बढ़िया वाला प्रॉफिट जनरेट हुआ है यहाँ पर। एग्जैक्टली यहाँ पर सभी लोगों को मौका दिया था। देखिए, पुट ऑप्शन रिकमेंडेशन की गई थी हमारी तरफ से। हम लोगों ने कहा था कि सेलिंग का सिग्नल आ चुका है 1:50 पर कहा था, और उसके बाद सेल ऑफ शुरू हुआ और मार्केट में पुट ऑप्शन रिकमेंडेशन किया था हमने मात्र 44,700 का पुट ऑप्शन मात्र 20 रुपए में रिकमेंडेशन किया था। और वो ऑप्शन वहां से देख लीजिए, वो 16 रुपीज, 61 रुपीज और 100 रुपीज के हाई लगा कर आया है। ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एल्गोरिदम की मदद से। ये एल्गोरिदम आप ले सकते हैं लाइफ टाइम के लिए मोबाइल और लैपटॉप पर। और गाइज, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, रिक्वेस्ट करता हूँ। इस पे स्पेशली ऑफर चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स पर। आज के दिन सुपर सेल लगाया हम लोगों ने, सुपर सेल लगाया। यदि आप लेना चाहते हैं, ऑफर का मजा लेना चाहते हैं, तो मात्र आपको एल्गोरिदम मिलेगा, एल्गोरिदम सेटअप मिलेगा, प्लस आपको स्ट्रेटेजिकली पूरा मिलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा, एक दिन की क्लासेस के साथ में। फीस है मात्र 6,999 का फीस है, मतलब 6,999 रुपए का फीस है। और लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। आगे बात करते हैं बाजार क्या करेगा अगले दिन। अब निफ्टी को भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी सेल ऑफ आना था, निफ्टी में भी क्लियर कट पहले ही बोल दिया था कि निफ्टी जैसे ही 500 दिख जाए बेच देना, मैंने यही कहा था एग्जैक्टली। और उसके बाद एक बड़ा सेल ऑफ जनरेट होता हुआ नजर आया। आई होप करता हूँ आप लोगों ने, सभी लोगों ने पैसा बनाया होगा। यदि पैसा बनाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सिस्टम पर। तो एल्गोरिदम क्या बोलता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खोलेंगे हम सिस्टम पर, एंड सब रिमूव करेंगे स्ट्रेटेजिकली, एंड क्रॉस लगा रहे थे यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं सिस्टम पर। तो गाइज, अभी भी डेली चार्ट्स बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। सबसे पहला काम बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स ये रहे हमारे पास। एक बढ़िया रिकवरी के बाद, एक बढ़िया साइडवेज के बाद, एक शॉर्ट सेलिंग कहीं ना कहीं इस और भी दर्शा रही कि मार्केट में एक मूवमेंट आया था, एक अच्छा बाइंग मूवमेंट आया था एक ये वाला, और उसके बाद वापस से एक सेलिंग मूवमेंट में मार्केट वापस से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज देखी जाए तो जब तक इन दो लाइनों के बीच में मार्केट है, मतलब इन इन इनके बीच में मार्केट है एग्जैक्टली। अब देखा जाए तो मार्केट एक बहुत बढ़िया सपोर्ट पे क्लोजिंग देकर गया है, जो कि सपोर्ट के नंबर की है, जो कि नंबर बनता है तकरीबन 44,500 का नंबर बनता है, जिस नंबर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल आता है बैंक निफ्टी का। यदि ये सपोर्ट टूटता है तो ही मैं लंबी अवधि में सेलिंग की सलाह दूंगा, नहीं तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रिकवरी भी देखने को मिल सकती कल के दिन। एक्सपेक्टेशन है कि साइडवेज एक मूवमेंट रहेगा और रिकवरी फिर से होती भी नजर आ सकती है, कि मार्केट आप लोगों को फ्लैटिश या गैप अप होता हुआ नजर आया। पहली कंडीशन फ्लैटिश और गैप अप के बीच में बोल रहा हूं मैं, दोनों की चीजें दिखने को मिल सकती है। और तकरीबन एक साइडवेज एक एक्शन, मतलब यहाँ से एक लिमिटेड एक्शन होता हुआ नजर आ सकता, मतलब इस तरीके का मार्केट ट्रेंडिंग चल रही है, मार्केट की ट्रेंडिंग चल रही है। और ये मार्केट ट्रेंड, यदि यहाँ पर पहला सेलर था, दूसरा सेलर यहाँ है, तीसरा सेलर यहाँ, चौथा फिर कोशिश करी सेलिंग ही हो रही है। आप लोगों को एक चीज ध्यान है, सेल ऑन द राइस की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, ध्यान से देखिए। ओनली मार्केट ऊपर जाता है, टिक नहीं पाता, फिर से सेलिंग लेकर आता, और यदि सपोर्ट को तोड़ेगा, इस बार ये वाले सपोर्ट को तोड़ा तो बड़ा सेल ऑफ आएगा, जो कि नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार दिखाई देता है थोड़े दिनों के लिए। हो सकता है कि यदि सेल ऑफ आता है तो पहले क्या करना चाहिए, यदि मार्केट में सेल ऑफ आता है और 600 के नीचे जाता तो कहां तक जाएगा। देखो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, निचले स्तरों पर 44,444 का नंबर बनता है, और 44,200 तक के एक नंबर बनते हैं, जो नीचे जाने के लिए इस तरीके से मुझे सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। एंड यदि ये नंबर उस तरफ निकलने में कामयाब रहती, मतलब 44,800 के ऊपर जाकर टिक जाता है, और जब तक 45,000 नहीं आ जाता, जब तक मैं किसी को खरीदारी करने की सलाह नहीं देता, तो जब तक 45,000 ना आए, इस बार खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूँ, सेल ऑन द राइस की स्ट्रेटेजी काम कर रही है मार्केट में। कल के दिन भी हो सकता है कुछ ज्यादा बड़े मूवमेंट देखने को ना मिले, आप लोगों को खुलते से मार्केट ऊपर जाए और वहीं से सेल ऑफ लेने की कोशिश करें, जैसे आज का दिन हुआ था। रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। निफ्टी डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, मगर आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग
सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोल रहा है कि निचले स्तर कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर सपोर्ट रिजेक्शन बन रहे हैं इस रेंज में। मतलब ये आपको दिखाई देगा रिजेक्शन दिखते हुए नजर आ रहे होंगे 500 के लेवल पर। 500 के लेवल पर कोई खरीद नहीं रहा है, तकरीबन यहाँ पर एक सेलिंग बनती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये स्ट्रक्चर मार्केट का चल रहा है, सेल ऑन द राइज, सेल ऑन द राइज का मतलब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये दो लाइनों के बीच का मार्केट देखने को मिलेगा आपको एल्गोरिथम, यदि मैं हटा दूंगा तो दो लाइनों के बीच का मार्केट देखने को मिलेगा। इस तरीके का मार्केट हमको बोलता है कि यहाँ इस रेंज में जैसे ही मार्केट जाए बेच दो, और इस रेंज में मार्केट आ जाए तो खरीद लो। जब तक ये रेंज वाइज मार्केट रहेगा, जब तक कुछ भी मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, कल के दिन वापस से एक मार्केट रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है, गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ना चाहता फिलहाल के लिए। जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, ऑल टाइम हाई के साथ यदि तोड़ने की कोशिश करे तो ही हम इसको आगे की तरफ कंटिन्यू मानने की कोशिश करेंगे और लंबी अवधि के लिए फिर लॉन्ग व्यू करते हुए जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि फिर ये 600 पर, 600 तो नहीं, फिर से वही कहानी, तकरीबन 565 का रेजिस्टेंस करते हुए मार्केट एक बार नीचे गिरना चाहिए, और यहां से ये लाइन ब्रेक करता है तो एक बड़ा सेल ऑफ करने की कोशिश करेगा मार्केट, जो कि इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस पॉइंट से मैं इंतजार कर रहा हूँ जो कि इस पॉइंट को मुझे मिल सकता है। तो ये इस पॉइंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यदि 19,465 के नीचे आता है और इस लाइन के नीचे जाता है तो जो एक बड़ी सेलिंग आने की चाहिए, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं ये वाली गैपिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, एंड गैप गैप अप वाली पेंडिंग गैप पेंडिंग पड़ी हुई यहाँ पर, और यहाँ तक के लिए मार्केट गिरना चाहिए इसके लिए। एंड इस तरीके का मार्केट मुझे लगता है कि ये एक सेलिंग सिग्नल बन सकता है, यदि यहाँ पर आता है और रेजिस्टेंस लेता है तो ही सेलिंग करूँ मैं। आज की बात करते हैं तो एल्गोरिथम के हिसाब से देखो सिस्टम पर चलते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मजबूत दिखाई दे रहे हैं बट ऊपरी स्तरों पर खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। सेम कंडीशन बैंक निफ्टी जैसी, कि ऊपर जाने के बाद फाइनेंस निफ्टी को भी कोई खरीद नहीं रहा है, ऊपर इस तरह से नीचे आने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, बट स्ट्रक्चरली नीचे के सपोर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है स्टिल, और नीचे जाना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस निफ्टी ज्यादा नीचे जा सकता है, एंड रेंज वाइज यदि नीचे जाता भी है तो 19 क्या बोलते हैं 20,000 का लेवल के सपोर्ट के नीचे यदि जाता तो 19,900 के लिए जा सकता है यहाँ पर, और इसके लेवल के ब्रेक होते हैं तो तकरीबन 700 के लिए गिर सकता है। मतलब यहाँ पर भी कल के दिन की जो ओपनिंग होगी वो तकरीबन गैप अप हो सकती है, और यदि इस फाइनेंस निफ्टी में एक बाइंग का चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इस रेंज को ब्रेक करता है, यदि इस रेंज को ब्रेक करने में कामयाबी मिलती है, जो कि आपको ये रेंज दिखाई देगी, यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल बनता हुआ नजर आ रहा है और 20,200 के ऊपर मिले तो ही मैं खरीदारी करने की एक सलाह दूंगा, जिसके बाद मार्केट फिर से आप लोगों को ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। मतलब 20,200 के ऊपर ही कॉल ऑप्शन खरीदने हैं, यदि पुट ऑप्शन खरीदने हैं तो वो तकरीबन इसी लेवल के बीच में खरीदारी करनी है, इंट्राडे करनी है और करके निकल जाना है, उसको बीटीएसटी में होल्ड नहीं रखना है किसी प्रकार का। हर रोज आप देख रहे होंगे कि यूएस मार्केट्स के तरफ से कुछ इस प्रकार के मार्केट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बार डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनने के बाद यदि आप इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, यूएस मार्केट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, यदि इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तो ये वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा और इस बार बड़ी जोर से सेल ऑफ कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले तो बहुत ही बढ़िया, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बड़ी एक तेजी बन सकती है। यदि नहीं होता है, यदि ये रेंज ब्रेक नहीं होती है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, ये रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, 34,500, तकरीबन 34,600 का नंबर है, इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, जब जाके हम लोग भी गैप और फिर एक बड़ी तेजी के लिए फिर से काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यदि कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट से जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो एल्गोरिथम की मदद से तो ऑफर है आज, और यदि फुल कोर्स सीखना चाहते हो, फुल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मतलब एक दिन की नहीं ज्यादा दिनों की क्लासेस लेना चाहते हो, तो तकरीबन 4 दिनों की क्लासेस की जो फीस हमारी 15,000 रुपए करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट अस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।